हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टेंशन हेडेक के बारे में। मतलब सरदर्द जो है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है टेंशन हेडेक। एक दूसरा माइग्रेन हेडेक है, जिसके बारे में पहले मैंने वीडियो दिया था। आज बात करने वाला हूँ टेंशन हेडेक। तो आइए, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हमको सरदर्द है, और सरदर्द होता है करके मतलब 10 में से एक तो हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं वो आते रहते सरदर्द है। अब तो सरदर्द वाला पेशेंट हमारे पास में पहले आता ही नहीं है। वो पहले जाएगा आई स्पेशलिस्ट के पास में, मतलब ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास में जाएगा, आँखें चेक कर लेगा, नंबर लेगा वहाँ, या फिर और कहीं कहीं अलग अलग इधर उधर घूमेगा। वो जाएगा ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास में, वहाँ वो सीटी स्कैन MRI करवा लेगा। सब तरह की जांच करने के बाद में यदि कुछ जब मिलता नहीं है तो फिर हमारे पास में पेशेंट आता है कि भाई सरदर्द है, क्या करें। उसको हम बोलते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक है फ्रीक्वेंट टेंशन हेडेक और दूसरा है इनफ्रीक्वेंट टेंशन हेडेक। तो फ्रीक्वेंट क्या होता है कि जो बार बार आता है, मतलब एक महीने में कम से कम 8 से 15 बार यदि वो आता है, मतलब उसके अटैक आते हैं, तो वो टेंशन हेडेक फ्रीक्वेंट टाइप हो गया। और दूसरा जो है वो इनफ्रीक्वेंट है, महीने में 1-2 दिन आ जाता है एक अटैक। फिर लोग बोलते हैं फिर ये माइग्रेन से अलग कैसा है, माइग्रेन भी तो ऐसे अटैक में आता है, तो फिर ये अलग कैसा होता है, तो भी आपको बताऊँगा। तो दूसरा जो है, एक है टेंशन हेडेक में एपिसोडिक और दूसरा है क्रॉनिक। क्रॉनिक टेंशन हेडेक जो है, जो 15 दिन से ज़्यादा 3 महीने तक है, तो उसको क्रॉनिक टेंशन हेडेक बोलते हैं। अब टेंशन हेडेक में होता क्या है कि टेंशन हेडेक यूजुअली काफ़ी बार, मतलब दोनों साइड में होता है, लेफ्ट और राइट। माइग्रेन में कभी वो राइट में होगा, कभी लेफ्ट में होगा, गारंटी नहीं है, और आधे ही रहता है माइग्रेन में। टेंशन हेडेक में वो बोथ साइड्स में रहता है। फिर टेंशन हेडेक में ऐसा लगता है कि वो बहुत दबा दिया है, दबोच दिया है हेडेक को, ऐसा प्रेस किया गया है, ऐसा टाइटनिंग टाइप बहुत ऐसा बांध के रखा है, ऐसा उसको लगता है। और माइग्रेन में ऐसा ठक 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 पल से चलती रहती है ना अपनी नाड़ी, वो हिसाब से, मतलब वैसा वो होते रहता है, ठक 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 ठक, ऐसा पल्सेटिंग टाइप जो होता है वो हेडेक होता है माइग्रेन में। टेंशन हेडेक जो है ना, वो साधारण रहता है, मतलब ऐसा है कि रोज का काम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। माइग्रेन में बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर होता है बहुत ज़्यादा, और वो सिर को बांध के लेगा और काम नहीं कर सकता, सो जाएगा, क्योंकि सोने के बाद में उसको अच्छा लगता है। तो रूटीन एक्टिविटी से टेंशन हेडेक बढ़ेगा नहीं, और रूटीन एक्टिविटी वो आदमी चालू रखेगा। माइग्रेन में रूटीन एक्टिविटी वो करता है तो माइग्रेन का हेडेक बढ़ेगा, और इसलिए वो कुछ नहीं करता, वो चुपचाप सो जाता है। टेंशन हेडेक में उल्टियाँ या जी मचलाना ऐसा नहीं होता। माइग्रेन में उल्टियाँ होती, जी मचलाना होता है, और वो हेडेक हो सकता है, वैसा उल्टियाँ वगैरह हो जाती है काफ़ी, और उल्टी से अच्छा भी लगता है उसको। टेंशन हेडेक में लाइट जो है वो सहन करता है, आवाज़ हो गया तो वो सहन कर सकता है। माइग्रेन में लाइट सहन नहीं कर सकता, आवाज़ सहन नहीं कर सकता, वो ज़्यादा हो जाता है उसका। तो टेंशन हेडेक जो है वो माइग्रेन से अलग है। टेंशन हेडेक के लिए जो दवाइयाँ हैं उसमें उसको ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन देते हैं, और एंटी डिप्रेशन जो दवाइयाँ हैं उससे टेंशन हेडेक काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है, काफ़ी दिन तक देना पड़ता है। उसमें भी हम प्रोप्रानोलॉल जैसी दवाई देते हैं जो माइग्रेन में देते हैं, मगर वो प्रोप्रानोलॉल से भी अच्छा होता है, मगर ज़्यादातर एंजियोलाइटिक्स, जिससे टेंशन कम हो जाएगा, एंटी डिप्रेशन, जिससे डिप्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि टेंशन हेडेक ये डिप्रेशन से भी हो सकता है, तो उसका दवाई देने के बाद में, या फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटरी एडवाइस, और उसको सेल्फ हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, उसका उपचार, तो ऐसा करने से टेंशन हेडेक अच्छा हो सकता है और व्यक्ति वो अच्छा जीवन जी सकता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको टेंशन हेडेक है, थोड़ा भी टेंशन आ गया शाम को उनका दिमाग चढ़ जाता है, फिर शाम को वो काम नहीं कर सकते, थकान आ जाती है। जरूरी वीडियो उनको शेयर करो,
यदि वो शाम को टेंशन हेडेक की वजह से काम करना वो बंद कर देते हैं या बहुत थकान आ गया ऐसा बोलते हैं, वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा सा सेल्फ हिप्नोसिस सीख जाते हैं, तो उनको एक 5-7 मिनट में अच्छा लगेगा और वो फिर से जोश से उत्साह से काम करना शुरू कर देंगे। तो जरूर वीडियो लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन आता है उसको भी हिट करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहली बार सुने जाएंगे या मिलेंगे। आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करो और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हमारा मिशन जो है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और व्यसन मुक्त भारत, एडिक्शन फ्री इंडिया, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।